मधुशा बाबा का दो दिवसीय उर्स समापन, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हुए शामिल, चादर भी की गई पेश। मधुशा बाबा का दो दिवसीय उर्स आयोजित किया गया जिसका आज समापन हुआ। समापन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए, साथ ही आज चादर भी पेश की गई। समीर अमन चैन की दुआ मांगी। मधुशा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का दो दिवसीय उर्स सूफी और हनफी तरीके से मनाया जाता है, जिसके अंदर कल मोहम्मद कमर बेग मुतवल्ली हैं यहाँ के, उनकी सदारत के अंदर जुलूस निकला निज़ाम गेट से, यहाँ चादर पेश की गई, दुआ खैर हुई, सलातो सलाम पेश हुआ। उसके बाद 29 रजब को आज के दिन सुबह 11 बजे महफिल शुरू हुई, आरिफ अलीमी साहब ने इसकी सदारत करी। उसके बाद कुल हुआ, कुल के बाद लंगर का एहतमाम रखा गया और शाम को 4 बजे असर की नमाज के बाद मौरूसी अमले की जानिब से यहाँ पर चादर चढ़ाई जाएगी और कड़का पड़ा जाएगा, उसके साथ ही उसका समापन समाप्त हो जाएगा, उस मुकम्मल तरीके से पूरे हो जाएंगे। आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज बेग, गुलफरोश हुजूर गनी नवाज रहमतुल्लाह। आज मधुशा बाबा का उर्स दो दिन से चल रहा है, कल और आज। मधुशा बाबा के उर्स के अंदर कल हमने गरीब नवाज की दरगाह से लेके मधुशा गली तक चादर लेकर आए और मधुशा बाबा के चादर चढ़ाई। आज हमारे यहाँ लंगर का आयोजन रखा गया है, जो लंगर चालू है, ये मधुशा बाबा की चादर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल के चढ़ाते हैं चादर, और हम यहाँ दुआ करते हैं। आज मेरे को 25 साल हो गए बाबा के यहाँ चादर चढ़ाते हुए, हर साल की बात थी, इस साल भी सब मिलकर हम चादर चढ़ाते हैं और लंगर पेश करते हैं। कई गरीब, कई हिंदू लोग, भाई लोग सब जने मिल के साथ खाना खाते हैं और लंगर खाते हैं, और हम मधुशा बाबा से दुआ करते हैं कि आसिफा लड़की जिसके साथ गलत काम हुआ उसको उसको इंसाफ मिले, और जो जिन्होंने गलत काम करा उनको फांसी की सज़ा मिले। मधुशा बाबा से दुआ करते हैं। दिलीप।